भागलपुर में छात्रा से रेप के मामले में सजा से बचने के लिए अपनी ही मौत की झूठी कहानी रचने वाले शिक्षक नीरज मोदी ने सरेंडर कर दिया। नीरज मोदी ने सोमवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नीरज मोदी सरेंडर करने कोर्ट में छिप कर पहुंचा था। बताया गया कि उसने सजा से बचने के लिए अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़ी थी, अंतिम संस्कार तक का नाटक किया था, जिसकी फोटोग्राफी कराई और पिता के माध्यम से पॉक्सो कोर्ट में प्रस्तुत कराया था, जिसके बाद वो भूमिगत हो गया था। मामला पीरपैती के ईसीपुर बाराहाट का है। पुलिस ने नीरज मोदी को मृत मान लिया और कोर्ट में इसका शपथ पत्र मिलने पर केस बंद कर दिया गया था। मामले में नीरज के पिता ने उसका साथ दिया, पीड़िता की मां ने इसका पर्दाफाश किया। नीरज और उसके पिता की चालबाजी की जानकारी मिलने पर पीड़िता की मां ने पीरपैती के वीडियो को अर्जी देकर उसके कार्यालय से गलत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जानकारी दी। वीडियो ने जांच कराई, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र बनाने की बात सामने आई। 21 मई को वीडियो के निर्देश पर नीरज मोदी के पिता राजाराम मोदी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया और अवैध मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द किया गया। इसके बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी। कल जो आकर के नीरज मोदी आकर के सरेंडर, उसमें घटना क्या था कि धर्मेंद्र नाम का एक आदमी, वो इन्फॉर्मेंट था, वो आकर के एक सूचित किया कि मेरी लड़की के साथ जो है जबरदस्ती जो है बलात्कार किया नीरज मोदी। नीरज मोदी जो है के खिलाफ जितना गवाही था सब हो गया था, सिर्फ एक डॉक्टर बाकी था। वो ऐसे परिस्थिति में जान गया कि हमको इस केस में सजा होने वाला है। वो एक जानबूझ करके एक अपने फादर को खड़ा करके एक ग्राम पंचायत से जो है बिहार सरकार के ग्राम पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र जो जिंदा जलाता है लाश सास का जितना चीज है एक सर्टिफिकेट ला करके थाना में दिया। मृत्यु प्रमाण पत्र ला करके ये साबित कर दिया कि कोर्ट में देखिए नीरज मोदी जो है मर गया। नीरज मोदी जब मर जाने के बाद कोर्ट में आकर के तेनेश्वरली उस केस को बंद कर दिया गया। उसके बाद सितंबर जो है 22 में ही आकर के ईसीपुर बाराहाट थाना में आकर के यहाँ निवेदन किया आकर के कि नहीं सर, वो आदमी नीरज मोदी जो है जिंदा है, उसके बाप के ऊपर जो है 420 का केस गया। नरेंद्र मोदी जब जिंदा तो फिर रीओपन हो गया केस। रीओपन हो गया जब देख लिया कि कोई सहायता नहीं, तो कल आकर के माने 17-10 आकर करके वो आकर के कोर्ट में सरेंडर किया। जब सरेंडर किया इसी परिस्थिति में देख करके हमने बेल का पूरा जो विरोध किया। उसके बाद विरोध करने के बाद जो है वो जेल चला गया और कोर्ट का आदेश हुआ सिर्फ एक डॉक्टर बाकी है। नीरज मोदी के बारे में कुछ नहीं जानते। नीरज मोदी आपके पंचायत के हैं? मेरा है। उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र बना था किनके लेटर हेड से बना था? हमको मालूम नहीं। आपके लेटर हेड से नहीं बना? नहीं बना। अच्छा, ये जो नीरज मोदी का घर कहाँ है? सिमानपुर। वो क्या करते थे नीरज मोदी? टीचर। कौन सा स्कूल में? वो भी मालूम नहीं। कौन सा स्कूल में? ये भी मालूम नहीं। आप मतलब कि स्कूल वगैरह भी नहीं चेक करते? नहीं चेक करते, हमको इतना तक पावर नहीं। सरपंच सर, 14 अक्टूबर 2018 की घटना है। नीरज मोदी पे आरोप था कि उन्हीं के विद्यालय की एक छात्रा के साथ उनका दुष्कर्म किया गया था। उसके पश्चात जो है उनका छात्रा की जो परिवार है वो न्यायालय गई, न्यायालय का दरवाजा खटखटाई पर एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया नीरज मोदी का, और बाकायदा शव पे लेटा के और उनका फोटो भी दिया गया। और यही नहीं, कहल गांव के कुछ लकड़ी का जो जलाया जाता है दाह संस्कार होता है, उसमें लकड़ी का रसीद इन्वॉल्व किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय जो उसको जो है मृत्यु घोषित करके उस केस को बंद कर दिया गया। फिर कुछ समय बाद पता चला कि ना वो जिंदा है, और पीड़िता की जो माँ है उनके द्वारा जो है अर्जी दाखिल किया गया। भागलपुर की डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के छात्र सारांश श्रीवास्तव को स्कूल के एक टीचर अंसारी गुलाम रसूल के द्वारा सवाल का जवाब नहीं देने पर बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। छड़ी से उसके दोनों हाथों पर 17 बार मारा गया है, जिससे उसके दोनों हाथों पर छड़ी के साफ तौर पर दाग नजर आ रहे हैं। छात्र का कहना है कि सर ने कुछ सवाल पूछे थे जिसका जवाब वो नहीं दे पाया, जिसको लेकर शिक्षक आग बबूला हो गया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। छात्र का कहना है कि उसके साथ कई और छात्रों की पिटाई की गई थी। वहीं छात्र ने जब घटना की सूचना अपनी बहन को दी तब बहन भाई को इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल पहुंची। बहन का कहना है कि बीएड पास किए हुए शिक्षकों को बताया जाता है कि आर्टिकल 17 आरटीआई के तहत शिक्षकों को बच्चों को नहीं पीटने की हिदायत दी गई है। इसके बावजूद भी शिक्षक ने पिटाई की है, इसके लिए पहले वह भाई का इलाज कराएगी और फिर थाने में मामला दर्ज कराकर आरोपी शिक्षक को कानून के अनुसार दंडित करने के लिए केस करेगी।
अब क्यों मारा गया है तुम्हें और किसने मारा है? हमारे SST टीचर, ज्योग्राफी टीचर, उनका नाम अंसारी गुलाम रसूल है। तो उन्होंने क्लास में आज क्वेश्चन पूछ रहे थे वो, तो किसी सबसे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया सबको मारा जा रहा था। तो मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरे को क्लास में पहले मारा, 7 छड़ी मारा हाथ में, फिर क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, फिर क्लास के बाहर फिर हम लोग 4-5 लड़के खड़े थे, तो उनको सब हमको मुझे तो उन्होंने बाहर में भी बहुत मारा, 10 छड़ी मारा, बहुत मारा, फिर सब में बहुत बच्चे को उन्होंने मारा क्लास में। कितने बच्चों को मारा होगा? लगभग 12-13 लोगों को मारा था। दाग हो गया पूरा हाथ में? हाँ बहुत लोगों के हाथ में दाग है। अपने कहे कि सर क्यों मार रहे हैं? हाँ कहे तो बोले कि तुम तो वैसे ही बदमाशी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो ऐसे ही कहते रहते हर टाइम। और पहले भी मारा करते थे, लेकिन इतना कभी नहीं मारा, पहले भी मारा करते थे, हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, वो बोलते थे कि तुम्हें पेरेंट्स को बोल देंगे, पेरेंट्स कॉल कर देंगे, ये सब डराते थे। हाँ डराते थे, तो हम लोग को भी लगता था कि पेरेंट्स को पता चलेगा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ज़्यादा ही जोर से मार दिया था और बहुत ज़्यादा मारा है इन्होंने, और इधर से बहुत लोगों को मारा है क्लास में बहुत। फिर बाकी लड़कियों लोग को तो वो मारते नहीं, उन लोगों को बस ऐसे ही छोटी मोटी सजा दे देते, हम लोग को बहुत मारते हैं जितने लड़के रहते हैं। भागलपुर में एक पिता ही अपने पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। मामला भागलपुर के आदमपुर TOP अंतर्गत मसाकचक का है, जहां राजेश सिंह अपने पुत्र की गिरफ्तारी के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के पास पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर है। मीडिया से बात करते हुए राजेश सिंह ने बताया कि मेरा पुत्र निहाल सिंह पलक सिंह नाम की लड़की के साथ 10 जनवरी 2016 को फरार हो गया, जिसके बाद माँ बेटे और मामा ने उसका अभियुक्त मुझे बनाकर मुझे दिया और मेरी जमीन और मकान को स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर हड़पने की कोशिश कर रहा है, जिसका टाइटल सूट न्यायालय में चल रहा है। फिर भी मेरे मकान को बिना न्यायालय के आदेश से उसे तोड़ा गया, जिसका मैंने विरोध किया। इस मामले में इसका सहयोग मेरा साला कर रहा है, जो कि एक IPS ऑफिसर है। उनके कहने पर आदमपुर TOP द्वारा मुझे अभियुक्त बनाकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके विरुद्ध मैं आज 9 दिनों से न्याय की गुहार लगाते हुए आमरण अनशन पर हूँ। जब तक मुझे उचित न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं आमरण अनशन पर ही रहूंगा। वहीं धरना स्थल पर चिकित्सक पहुँच कर उनकी जाँच की, डॉक्टरों ने कहा कि अभी इनकी स्थिति सामान्य है। सर मामला ये बहुत ही गंभीर है कि नाथनगर ललमटिया थाना कांड संख्या 3216 में मेरा लड़का और एक लड़की प्रेम प्रसंग में भाग गया था, और भागलपुर की निकम्मी पुलिस जो आज तक उस लड़के को, दोषी लड़के को अरेस्ट नहीं कर पाई, और मेरा घर मसाकचक स्थित कुर्क की, और मुझे भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाकर जेल भेज दी, और फिर पुलिस उस आदमी से साठ गांठ कर जो हमारे शांतिपूर्ण दखल कब्जा के खिलाफ भागलपुर सिविल कोर्ट में टाइटल सूट 792/12 दाखिल किया, और न्यायालय से बिना कोई आदेश प्राप्त किए मेरे शांतिपूर्ण दखल कब्जा को पुलिस के मिली भगत से गैर कानूनी तरीका से पहले घर तोड़ा, जिसका मैंने जोक्सर TOP थाना कांड संख्या 344/18 दर्ज कराया, जिसमें इंस्पेक्टर विजय कुमार ने 25,000 रुपया घूस मांगा, पैसा नहीं दिया, और इसके लिए SSP को सूचना देने पर वो मेरे केस को गलत करार दे दिया। यह लॉ के साथ बलात्कार का मामला है। किस कानून के तहत मेरे कुर्क घर पर बिना न्यायिक आदेश प्राप्त किए गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया जा रहा है, इसका प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं, और मैं 9 दिनों से यहाँ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हूँ। प्रशासन कोई सुधि नहीं ले रहा, और मेरा एक साला IPS है, पांडे संतोष, IPS ज्वाइंट CP कलकत्ता पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, उसके प्रभाव में आकर पुलिस मेरे लड़के को फ्री छोड़ दी है घूमने के लिए, और मेरा कुर्क सामान आज भी आदमपुर TOP में जमा है, और मेरे घर पर पुलिस ही मिली भगत कर अवैध कब्जा करा रही है।
भागलपुर में गंगा विकराल है, घर के घर कटकर गंगा में समाते जा रहे हैं। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में देर रात से ही गंगा किनारे तेज कटाव शुरू हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल देखा जा रहा है। रात में अचानक हो रहे कटाव के बाद कई लोग अपने घरों को खाली करने में जुटे हैं। महिलाएं गीत गाकर माँ गंगा को मना रही हैं। लोगों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश भी देखा जा रहा है। लगातार हो रहे कटाव के बाद भी इनका कोई हाल जानने नहीं पहुंचा है। इससे पहले भी यहां हुए कटाव में दर्जनों घर गंगा में समा चुके हैं। कई दफा कटाव निरोधी कार्य शुरू किया गया, लेकिन वो नाकाफी रहा। कटाव निरोधी कार्य अब बंद है और गंगा की धार गाँव की तरफ मुड़ चुकी है, लिहाजा कई घर अब फिर से गंगा में समा रहे हैं। इंग्लिश गांव कट रहा है, हालत खराब है। हम लोग यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है देखने के लिए। कब से कट रहा है इंग्लिश गांव? ये 2 महीना से एकदम पूरा कटंती, एकदम कटाव तो रहा है। कितना घर कट गया? घर बहुत घर कट गया, किनारे में बहुत कट गया, 40-50 घर कट गया। रात में कैसे रहते हैं? रात में डर तो उधर रहते हैं, जाके बैठ के डर से रहते हैं। रात में क्या करेंगे, किसी तरह अपना दिन काटते हैं। कोई अधिकारी प्रशासन नहीं आ रहा है हम लोग के गांव का, हम लोग कहाँ जाए के कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, बाल बच्चा खेत पथार कटिए गया, घरों कटा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, किसी के द्वार जाएंगे? कोई हम लोग को देखने नहीं आता है, ना कोई हम लोग को सुनने आता है। बताइए से हम लोग रो रहे हैं, रात ही से हम लोग रोते रोते हम लोग परेशान है। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है, ना कोई आदमी आए, विधायक आए, कोई नहीं। रात में हम लोग जाके बैठ के बिहान किए हैं, हाँ डर पे रात में हम लोग सोते नहीं है। हम लोग तो खाना खाए जैसे बैठे तैसे आ रहा है लगा, तो हम लोग खाना वाना लेके थरिया उरिया भागे। पूर्वी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद ने पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। उत्तीर्ण 113 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिनमें 67 पुरुष और 46 महिलाएं हैं। नियुक्ति पत्र प्राप्त किए सब इंस्पेक्टर अपर क्षेत्र के विभिन्न जिलों में अपना योगदान देंगे, जिसके बाद उनकी नियुक्ति थाने में की जाएगी। इसके बाद वे अपनी सेवा शुरू करेंगे। नियुक्ति पत्र पाकर सभी सब इंस्पेक्टर काफी खुश नजर आ रहे थे। भागलपुर के नौगछिया के गौशाला रोड पर एक टोटो के धक्के से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों में गोपालपुर के गोड़ियाड़ी निवासी सुबोध पंडित और उसका भाई कृष्णा कुमार है। दोनों घायलों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज किया गया। मोटरसाइकिल चालक ने बताया कि अपने भाई को स्टेशन से लेकर घर जा रहे थे। गौशाला रोड पर सामने से आ रहे एक टोटो ने जबरदस्त धक्का दे मारा। टोटो चालक टोटो चलाते समय मोबाइल से बात कर रहा था।